हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल आर्ट्स चैनल। मैं हूं कुणाल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करेक्टर मैप की, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कि ये क्या होता है और इसको हम जो है अपने सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को आप जो है एंड तक देखते रहिएगा, हो सकता है दोस्तों आपके लिए ये यूजफुल हो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि करेक्टर मैप होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो है विंडो का ही इनबिल्ट फीचर होता है, जिसमें दोस्तों हमें बहुत सारे स्पेशल करेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे कीबोर्ड में नहीं होते। तो फ्रेंड्स, कभी कभार हम अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं और उसमें कई बार हमें जो है स्पेशल करेक्टर की जरूरत पड़ जाती है। तो उस केस में दोस्तों हम जो है गूगल करके वहां से कॉपी कर लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो करेक्टर मैप का फीचर है, ये विंडोज का इनबिल्ट फीचर होता है, जिसमें दोस्तों हमें काफी सारे स्पेशल करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च करना होगा करेक्टर मैप। तो देख सकते हैं दोस्तों, करेक्टर मैप यहां से ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये है कॉपीराइट का, हो गया ये, हो गया जैसे कि दोस्तों रजिस्टर्ड साइन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत सारे और भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो बहुत सारे हमें स्पेशल करेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों अगेन हमारे कीबोर्ड में नहीं होते। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ और साइन दिखाऊं तो देख सकते हैं हमें कई सारे इसमें स्पेशल करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो चाहे दोस्तों वो आपके मैथ्स में यूज हो या फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ साइन यूज होते हैं, तो वो साइन भी आपको दोस्तों यहीं से ही मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं इस साइन को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपको साइन की जरूरत है उस पर आप जो है क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी करके जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आगे से कभी आपको स्पेशल करेक्टर की जरूरत पड़ती है तो आप इस फीचर को जो है यूज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों विंडो का ही इनबिल्ट फीचर है। इसके लिए दोस्तों आपको जो है गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार से। तो बस दोस्तों, यही था इस वीडियो में बताने के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार अगर आप आ रहे हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और साथ ही दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि दोस्तों वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कुछ क्वायरी होती है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर DM करके भी पूछ सकते हैं।